गाइस कैसे आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग, यानी कि विंटर फोटो एडिटिंग। और विंटर मतलब इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, तो मैंने सोचा कि भाई इससे नॉर्मल मैं पोस्ट कर रहा था, लेकिन सोचा कि मतलब कुछ अलग किया जाए। तो मैंने सोचा कि जब इतना ही ठंडी पड़ रही है तो थोड़ा सा मतलब ठंडी वाला पोज भी किया जाए और फोटो भी बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि ये वाला फोटो बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक अपने दोस्त का बनाया, देख लीजिए पहले ये वाला मैंने अपने दोस्त का एक फोटो एडिट कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई किस टाइप का बनाओ, तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब मैंने यही वाला फ़ोटो बनाया था जो कि काफ़ी अच्छा बन गया, ठीक है। तो इसका प्रीसेट लेके मतलब ये वाला जो फ़ोटो बनाया, इसका प्रीसेट लेके मैंने अपने मतलब फ़ोटो को भी बनाया। तो देख लीजिए यही प्रीसेट उस पर भी लगाया और इस पर भी लगाया, देख लीजिए कितना ज़्यादा कमाल का लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। जितने लोग चैनल बनाए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले फ़ोटो को क्या करेंगे, हम यहाँ शेयर कर लेते हैं लाइट रूम के अंदर, ठीक है। काफ़ी सिंपली शेयर करेंगे या फिर मैं इसका एडिटिंग करके दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि सबसे पहले इसका ही एडिटिंग किया था। इसे सबसे पहले शेयर करते हैं लाइट रूम के अंदर, तो सिंपली इसे शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद इसमें चलते हैं। और आप लोगों को दो प्रीसेट दूंगा, दोनों से आप यूज करके एकदम इस तरफ का मतलब आप अपना फोटो आप लोग एडिटिंग कर पाएंगे। तो मतलब मैं इसका एडिटिंग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये वो प्रीसेट आया है जो मैंने यूज़ किया था और बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा था, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी सेटिंग, और इस पर पेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इंस्टाग्राम का साइज़ बनाएंगे। तो क्या करेंगे, क्रॉप पे जाएंगे और कस्टम साइज जाएंगे, 4x5 रखेंगे और देख लीजिए कुछ ऐसे यहाँ से इसे डन कर लेते हैं। अब डन करने के बाद इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे शेयर करेंगे हम स्केच बुक के अंदर। तो इसे शेयर करते हैं, बहुत ही इजी स्टेप है भाई, आप लोग देख लीजिए बहुत ही आसान है। आप लोग देखते हैं एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी स्टेप है। क्योंकि दो प्रीसेट आप लोग को लेना है और फोटो को मतलब आप लोग को स्मूथ करना बता दे रहा हूँ, और आप लोग मतलब उसे यूज करके आप लोग इस टाइप का फोटो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे स्केच बुक में ले चलते हैं और इसे पहले स्मूथ कर लेते हैं। तो पहले इसे स्मूथ करेंगे। ये आप लोग बस रेमनी आप लोग कर लीजिएगा, मैं रेमनी पहले नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसे स्मूथ कर लेते हैं, देख लीजिए। ये वाला ब्रश लेना है आप लोग को, ये वाला ब्रश लेना है आप लोग को स्मूथ में का, ये बड़ा वाला ब्रश। और सेटिंग देख लीजिए, फ्लो को 3 रखना है, स्ट्रेंथ को 12 रखना है, उसके बाद साइज अपने हिसाब से रख लेना है, उसके बाद से इसे स्मूथ कर लेना है, ठीक है। और स्मूथ करने के बाद आप लोगों को पीएनजी वगैरह लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। और फिर से जो लास्ट वाला प्रीसेट है वो देखिएगा लगाते हैं कितना अब मेरा फोटो ये एकदम खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक बनी रहिएगा, आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ से जल्दी इसे स्मूथ कर लेते हैं, आप लोग आराम आराम से कीजिएगा, एकदम अच्छा से कीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने जल्दी जल्दी स्मूथ कर दिया। और एक और चीज़ मतलब मैं इसका थोड़ा सा लिप थोड़ा सा एड कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले ब्रश पे जाएंगे, देख लीजिए ये वो ब्रश है, और इस पर जाएंगे सेटिंग देख लीजिएगा क्या रखेंगे, 4 और मतलब इसका साइज देख लीजिए, एक लेयर बना लेंगे। लेयर बनाने के बाद कलर सेलेक्ट कर लेते हैं लाल कलर, उसके बाद से इस पर पेस्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे लगा लेना है। अब देखिए इतना होने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा लिप कम ऑपेसिटी कम कर लेते हैं, तो कुछ इतना रखेंगे जो कि अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से पीएनजी ऐड करेंगे, देख लीजिए पीएनजी कैसे ऐड किया जाता है। इस पे जाना है, इस पे जाना है, उसके बाद से इंपोर्ट इमेज पे जाना है, और इस पे जाने के बाद एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे जो स्नो की तरह लगता है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगता है, तो उसे मैं पहले ऐड कर लेता हूँ। तो ये पीएनजी रहा, इसे ऐड करते हैं पहले। करेंगे इसे कुछ ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से डन कर लेते हैं। अब डन करने के बाद एक चीज़ और लगाएंगे यहाँ से, अब स्नो वाला पीएनजी लगाते हैं, और स्नो वाला पीएनजी लगाते हैं देखिए कितना मेरा फोटो ये लाजवाब लगेगा,
यहाँ से इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं और ये लगा लेंगे कुछ ऐसे। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इस वाले मतलब ब्रश वाले पे जाएंगे, इस पे जाएंगे और क्या करेंगे, जो फेस के ऊपर मतलब जो आंखों के ऊपर गया है उसे इरेज कर लेंगे कुछ इस टाइप से, और बाकी सब रहने देंगे ठीक है। और यहाँ से इसे डन कर लेते हैं, और डन करने के बाद क्या करेंगे, सब मर्जाल कर लेंगे यहाँ पे जाके, ये मर्जाल हो गया। अब यहाँ से इसे सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद लास्ट में एक और प्रीसेट है जो मैं यूज करते हैं, देखिए कितना ज़्यादा खतरनाक लगेगा ये फोटो। अब यहाँ से इसे सेव हो जाने लीजिए, तो यहाँ से सेव हो चुका है। अब इसे ले चलेंगे हम लाइटरूम के अंदर ठीक है, तो लाइटरूम के अंदर जाने देते हैं, और एक लास्ट प्रीसेट यूज करेंगे, और उसके बाद से देखिएगा फोटो कितना ज़्यादा मस्त लगेगा। तो यहाँ से इसे पहले इसमें ला देते हैं, उसके बाद से ये वाला हम प्रीसेट यूज करेंगे ये वाला, तब देखिएगा फोटो कितना ज़्यादा लाजवाब हो जाएगा। तो यहाँ से इसका कॉपी सेटिंग करते हैं, थ्री डॉट पे जाएंगे, कॉपी सेटिंग कर लेंगे, ज्योमेट्री सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डन कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, फेस सेटिंग कर लेंगे। अब देखिए ये फोटो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है ठीक है, दिल्ली कितना ज़्यादा शार्पनेस आ गया है, ये फोटो कितना ज़्यादा लाजवाब लग रहा है ठीक है। और इस ये मतलब आप लोग को PNG वगैरह सब दे दूँगा, और यहाँ से अलग से एक विंटर का मतलब एक टेक्स्ट दे दूँगा आप लोग को, जो आप लोग ऊपर यूज़ कर लीजिएगा, मैंने किसी भी फोटो में नहीं यूज़ किया है क्योंकि उससे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आप लोग यूज़ कर लेना ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ वापस, तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।